वो भी मेहनत कर रहे हैं, ये भी मेहनत कर रहे हैं, हम सब मेहनत कर रहे हैं। सो मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं एंड प्लीज़ एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। किसी की टांगे नहीं खींचनी हमें, सबको ऊपर लेके जाना है, सबको एक रिस्पेक्टफुल रहना है एक दूसरे की तरफ। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ एसेट फ्लिप्स के बारे में। ऐसे गेम्स जिनको एसेट्स यूज़ करके बनाया जाता है, मतलब कि जो स्टोर के ऊपर अवेलेबल है या फिर जो यूनिटी एसेट स्टोर के ऊपर अवेलेबल है या फिर अनरियल इंजन के एसेट स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, वहाँ से चीज़ें उठा के जब गेम डेवलपर्स बनाते हैं, तो उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि क्या ये चीज़ सही है, क्या ये गलत है और इसकी क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, किसको ये चीज़ करनी चाहिए, किसको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें के बारे में बात करेंगे। सो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देख लीजिए ताकि इससे आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस आउट ना हो पाए, क्योंकि काफ़ी क्रिटिकल टॉपिक है। सो दोस्तों, अगर आप एक गेमर हो या फिर एक गेम डेवलपर हो, तो फिर आपके सोचने के नज़रिए में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है जब आप किसी नए गेम को देखते हो। एक गेमर जब किसी नए गेम को देखता है, तो वो देखता है कि गेम के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है, गेम के अंदर क्या क्या फीचर्स है, ग्राफिक्स कैसे है, उसका गेम प्ले कैसा है, इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, उसके अंदर क्या क्या नई नई चीज़ें, एक्साइटिंग चीज़ें आप कर सकते हो और वो सारी चीज़ें। जब एक गेम डेवलपर एक गेम को देखता है, तब उसके दिमाग में पूरी की पूरी एक अलग साइकोलॉजी चलती रहती है। वो सोचता है कि यार ये गेम को कैसे बनाया गया है, इसके अंदर कौन सी इंजन यूज़ की गई है, इसके आर्ट एसेट्स कैसे बनाए गए हैं, इसकी सारी प्रोग्रामिंग कैसी की है, और वो सारी चीज़ों के बारे में एक गेम डेवलपर सोचता है। जब एक कोई भी नया गेम देखते हैं, तो फिर गेम डेवलपर और गेमर दोनों का नज़रिया पूरा का पूरा अलग रहता है, और उसको कैसे बनाया जाता है इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं गेम डेवलपर्स, ना कि गेमर्स। अभी इसी टॉपिक के ऊपर एक बहुत बड़ा डिबेट आता है कि जब कोई एक गेम डेवलपर कोई एसेट्स यूज़ करता है, मतलब कि अगर किसी यूनिटी गेम इंजन या फिर अनरियल गेम इंजन के एसेट स्टोर के ऊपर कुछ एसेट्स अवेलेबल है, उनको खरीद के अगर वो अपने गेम के अंदर इम्प्लीमेंट करता है या फिर अपने गेम के अंदर यूज़ करता है, तो इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी गेम डेवलपर्स जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाते हैं। दोस्तों, जनरली जो ये चीज़ें करते हैं, जो एसेट्स को यूज़ करते गेम्स बनाते हैं, वो यूजुअली नए नए गेम डेवलपर्स हैं, जो उन्होंने अभी जस्ट एंट्री की होती है गेम डेवलपमेंट के अंदर। मे बी उनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, मे बी उनके पास इतने अच्छी खासी हार्डवेयर नहीं होती, मे बी उनके पास इतने अच्छे खासे रिसोर्सेज नहीं रहते, आर्टिस्ट नहीं रहते, प्रोग्रामर्स नहीं रहते। इसी वजह से वो सोचते हैं कि उनके पास सिर्फ एक आइडिया है, वो आइडिया को कुछ किसी ना किसी तरीके से उनको इम्प्लीमेंट करके एक गेम बनाना रहता है। उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है, अलग अलग टाइप के ड्रीम्स रहते हैं, वो उनके ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसी वजह से उनके अंदर थोड़ा सा एक फास्ट फैक्टर रहता है कि यार मेरे को ये चीज़ जल्द से जल्द बनानी है, मेरे को इसको जल्दी से जल्दी मार्केट के अंदर लाना है। एंड ये चीज़ मैं समझ सकता हूँ कि क्योंकि मैं खुद एक गेमर से गेम डेवलपर बना था, तो इसी वजह से मैं समझ सकता हूँ कि आपकी क्या एक्साइटमेंट रही होगी इसको ऐसे पाथ को यूज़ करने में। इसी वजह से जो नए नए गेम डेवलपर्स है, वो एसेट्स को यूज़ करते हैं जो स्टोर के ऊपर अवेलेबल रहते हैं, उनको खरीद के अपने गेम के अंदर यूज़ करते हैं, या फिर इन सम केसेस फ्री एसेट्स भी अवेलेबल रहते हैं, उनको जमा करके अपने गेम को बनाते हैं। अभी जब आप एसेट्स खरीदते हो, जब आप पैसे डाल के कोई एसेट्स खरीद रहे हो, सो जाहिर सी बात है वो सारे एसेट्स आपके पास यूज़ करने की राइट्स आपके पास रहती है। और इस चीज़ में बहुत सारे लोगों का अलग अलग डिबेट होगा, बट मेरी तो राय ये है कि ऐसा करने में कोई गलत बात नहीं है। दो तरह के वर्क रहते हैं, एक रहता है स्मार्ट वर्क, दूसरा रहता है हार्ड वर्क। अगर आपको दोनों करके सक्सेस मिलता है, अगर आपको स्मार्ट वर्क करके सक्सेस मिलता है या फिर हार्ड वर्क करके सक्सेस मिलता है, इन एनी केस सक्सेस मिलना इज़ द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट। दुनिया ये नहीं देखती कि आपने गेम को कैसे बनाया। अगर आप गेमर को पकड़ के बोलोगे कि यार ये जो गेम डेवलपर है उसने यहाँ से ये चीज़ें उठा के ऐसे ऐसे करके ये गेम बना के आपको दिया है, उसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऑडियंस ये बिल्कुल नहीं देखेगी कि आपने गेम कैसा बनाया, वो सिर्फ ये देखेगी कि क्या ये जो एंड प्रोडक्ट है इसको खेल के मुझे मज़ा आ रहा है कि नहीं। दैट्स इट, वहाँ पे डिस्कशन ख़त्म हो जाता है। तो ये करके अगर कोई डेवलपर एक अपनी खुद की एक असेंबल करके भी अगर गेम बना रहा है, उसमें भी दोस्तों एफर्ट जाता है। ऐसा नहीं रहता कि आपने इधर से चीज़ उठाई, उधर से चीज़ उठाई और असेंबल कर दी और 4 घंटे के अंदर आप एक बहुत बढ़िया क्वालिटी का गेम बनाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं रहता।
एक गेम बनाने में, इवन इफ अगर वो आप एसेट्स यूज़ करके भी बनाते हो, तो उसमें भी काफ़ी टाइम चला जाता है और उसके अंदर भी आपको बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट करनी पड़ती है, सॉल्व करनी पड़ती है, क्योंकि जो एसेट्स भी खरीदते हो उसकी जो विजुअल क्वालिटी रहती है उसको आपको अपने गेम के साथ मैच करना पड़ता है। अच्छा, ये जो एसेट्स है इनको आप एज इट इज़ भी यूज़ करोगे तो फिर आपको खुद को एज अ गेम डेवलपर मज़ा नहीं आएगा, तो उसके अंदर आप खुद की एक क्रिएटिविटी डालना स्टार्ट करते हो। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो एसेट्स यूज़ करके जो गेम बनाया गया है वो कहीं ना कहीं पे आपका खुद का भी हो जाता है, क्योंकि जैसे आप गेम्स बना सकते हो वैसा कोई और बिल्कुल नहीं बना पाएगा। ऑब्वियसली आप सिमिलर चीज़ें बना सकते हो, बट डिट्टो टू डिट्टो जैसे एग्जैक्टली आप गेम बनाते हो वैसा दूसरा कोई भी गेम बना नहीं पाएगा। कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें 5% 10% चीज़ें अलग होगी ही होगी। अभी बात आती है एसेट्स जिन जो प्रॉपर सिस्टम्स है, जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये जो डेवलपर है फलाना ढिकाना जो डेवलपर है वो, उसने तो यार ये FPS का कंट्रोलर यूज़ किया है, उसने ये कार ड्राइविंग मैकेनिक का जो एसेट है वो यूज़ किया है। तो दोस्तों जब ये चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई है, सो एक कहावत है, वाई री इन्वेंट द व्हील, पहिए को आप वापस री इन्वेंट क्यों करना चाहते हो? पहिया जैसा चलता है वैसा तो आपको सबको पता है कि पहिया ऐसे ही चलने वाला है, और अगर कुछ चीज़ ऑलरेडी बनी हुई है मार्केट में जो मे बी आप जिस हिसाब से बनाओगे उस हिसाब से उसके कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी की है, आप उसको खरीद सकते हो, आप उसको ले सकते हो, वो सिस्टम को ले सकते हो, खरीद सकते हो, और उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करके आप उसको खुद का बना सकते हो। तो अगर ये चीज़ अवेलेबल है, एंड दोस्तों आजकल की तारीख में लेट्स बी फ्रैंक इंटरनेट के ऊपर सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल है, बहुत कम डेवलपर्स है जो कम्प्लीटली फ्रॉम स्क्रैच, अभी फ्रॉम स्क्रैच बहुत लोग बोलेंगे कि फ्रॉम स्क्रैच क्या होता है, फ्रॉम स्क्रैच मतलब स्टार्टिंग से, एकदम शुरुआत से, एकदम बेस लेवल से, बहुत कम डेवलपर्स है जो ऐसा करते हैं। अगर ऐसा होता, अगर आपको जो गेम डेवलपर्स है उनको इतना ही ओरिजिनलिटी का क्रेज़ है, तो फिर उनको तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, फिर तो यार आप यूनिटी इंजन को भी यूज़ मत करो, आप अनरियल इंजन को भी यूज़ मत करो, आप खुद की इंजन बनाओ। और ऐसे भी डेवलपर्स है जो खुद की इंजन बना सकते हैं और बनाते हैं, सो उनको तो मैसिव रिस्पेक्ट डेफिनेटली, वो जो लेवल का काम करते हैं वो करना बहुत मुश्किल रहता है। बट एट द सेम टाइम जो ये जो छोटे छोटे डेवलपर्स हैं जो मे बी 15 साल के हैं, 16 साल के हैं, 17 साल के हैं, 20 साल के हैं, जो जस्ट नए नए एंट्री करना चाहते हैं, अगर आप उनको डीमोटिवेट करोगे, आप उनको बोलोगे कि यार ये जो एसेट्स है वो आपने एसेट फ्लिप करके बनाया है, ऐसा किया है वैसा किया है, तो फिर तो वो यार आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो फिर तो वो सोचेगा कि यार छोड़ो यार मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से ही मेरे को अप्रिसिएशन नहीं मिल रही, तो फिर मैं आगे और मेहनत क्यों डालूँ। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए दोस्तों, जो एसेट्स यूज़ करके भी गेम्स बनाते हैं उसमें भी मेहनत लगती है, ऐसा बिल्कुल नहीं रहता कि यार वड़ा पाव नहीं है जो 2 मिनट में बन जाए। तो इसी वजह से दोस्तों मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी डेवलपर्स है, गेम डेवलपर्स है, उनके एफर्ट्स को आप देखिए और अप्रिशिएट कीजिए। डेफिनेटली आप समझ नहीं पाओगे कि गेम्स बनाने में कितना एफर्ट लगता है अनटिल एंड अनलेस आप खुद गेम्स बनाओगे। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि यार गेम बनाने में क्या है यार, आप 4-5 लोगों को बिठाओ, उनको ऐसे ऐसे सैलरी दो, 20,000 दो, 30,000 दो सैलरी दो और गेम बन जाएगा, आपको बस आपको ही पता नहीं है, आप में ही क्रिएटिविटी नहीं है कि आप बराबर से गेम बना नहीं पाते। बट ऐसा नहीं रहता दोस्तों, अब जब आप लोगों को इन्वॉल्व करते हो तो हर एक बंदे के अलग अलग थॉट प्रोसेस रहते हैं, हर एक बंदे की अलग अलग आइडियाज़ रहती है, हर एक बंदे की अलग अलग इंडिविजुअलिटी रहती है। तो जब आप गेम बनाते हो तो वहाँ पे जब आप टीम को इन्वॉल्व करते हो तो वहाँ पे टीम के अलग अलग दिमाग चलते हैं, उनकी अलग अलग आइडियाज़ रहती है और आपको सबकी तरफ रिस्पेक्टफुल रहना पड़ता है, तो टीम मैनेज करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है अपने आप में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं रहता कि आप गेम बनाना एकदम हलवा है। ओके, ये मेरा एक बहुत ही पहले भी मैं डायलॉग बोल चुका हूँ, गेम बनाना बिल्कुल हलवा नहीं है, गेम बनाने में बड़े बड़ों की हवा टाइट हो जाती है। जब तक आप खुद गेम नहीं बनाओगे तब तक आपको एफर्ट्स समझ में नहीं आएंगे। छोटे से छोटा गेम, एक सिंपल 2D गेम भी बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बेस गेम तो आप बना लोगे, एक जो प्रोटोटाइप लेवल का गेम है वो तो आप 2 हफ्ते में बना लोगे, बट जो फिनिशिंग देने में टाइम जाता है उसी में सबसे ज़्यादा फटती है, उसी में सबसे ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, और उसी को एक फाइनल प्रोडक्ट में लाने में जो टाइम लगता है उसमें यार डेफिनेटली हवा टाइट हो जाती है और एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। इसी वजह से जब भी मैं कोई गेम्स देखता हूँ, भले वो एसेट फ्लिप्स हो, भले वो ओरिजिनल एफर्ट्स हो, भले वो डेवलपर ने कैसे भी करके बनाया हो,
मेरी तरफ से हमेशा एफर्ट्स के लिए 5 सितारे रहते ही है और हमेशा रहेंगे। अगर कोई बड़ा डेवलपर एसेट्स यूज़ करके गेम्स बनाता है जो नॉर्मली होता नहीं है, और बड़े अगर आप बड़े डेवलपर हो तो फिर यूजुअली आप ऐसी चीज़ें करोगे भी नहीं। एसेट्स यूजुअली वो डेवलपर्स यूज़ करते हैं जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं रहते, जो जल्दी से जल्दी थोड़ा एक डिसेंट क्वालिटी का गेम मार्केट में लाना चाहते हैं, तो वो टाइप के लोग एसेट्स यूज़ करते हैं। और आई डोंट सी अ बैड थिंग इन इट, वो डेफिनेटली उनके पास एक ड्रीम है, वो एक गेम डेवलपर बनना चाहते हैं, तो मैं मेरी तरफ से उनके एफर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट वो कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यार वो कुछ नहीं कर रहे, भले वो एसेट्स यूज़ कर रहे बट उसमें भी वो लोग एफर्ट्स दे रहे हैं, वो लोग उसके अंदर भी मेहनत कर रहे हैं। अभी ये चीज़ आपको नहीं दिखेगी तो फिर आप एक गेम डेवलपर नहीं हो, क्योंकि आप नहीं जानते कि कितना एफर्ट जाता है। बट मेरे साइड से मैं इनके एफर्ट्स को हमेशा अप्रिशिएट करूँगा और जितना हो सके मेरी साइड से मैं बढ़ावा दूंगा। भले आपने एक बेस एसेट फ्लिप बनाया है, भले आपने एक ओरिजिनल गेम बनाया है, अगर आप ओरिजिनल गेम्स बनाते हो, ओरिजिनल एसेट्स वगैरह बनाते हो, डेफिनेटली आपकी जो एफर्ट्स है उस वो कहीं गुना ज़्यादा रहेंगे जो एक बेस एसेट्स यूज़ करके जिसने बनाया है, और वो केस में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो मेरी नज़र में तो यार दोनों की तरफ उतनी ही रिस्पेक्ट है। जो ओरिजिनल एसेट्स बनाते हैं उनके लिए तो और कई गुना ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बट जो ओरिजिनल एसेट्स नहीं बनाते उनके लिए भी ऐसा कोई घिन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि यार मैं इनसे नफरत करता हूँ, वो भी मेहनत कर रहे हैं, ये भी मेहनत कर रहे हैं, हम सब मेहनत कर रहे हैं। सो मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं एंड प्लीज़ एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। किसी की टांगे नहीं खींचनी हमें, सबको ऊपर लेके जाना है, सबको एक रिस्पेक्टफुल रहना है एक दूसरे की तरफ। सो यही था एक पॉइंट जो मैं कहना चाहता था मेरी तरफ से। सो दोस्तों, अगर आप इस मेरे पॉइंट से अग्री करते हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, मेरे चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरे अगले वीडियोस को मिस नहीं कर पाओ। मैं गेम्स और गेम डेवलपमेंट रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस बनाता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।